हम मौजूद हैं रोडवेज बस स्टॉप पर और हमारे पीछे ये यात्री खड़े हुए हैं, ये काफ़ी टाइम से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ से 46 बसें जो हैं वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सुल्तानपुर में लगाई गई हैं। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण था आज, वो सीतापुर से 46 बस यहाँ से भेज दी गई हैं, उसको लेकर यहाँ पे यात्री बहुत देर से खड़े हैं। हम इन्हीं से जानेंगे, आप कहाँ से आए हैं, कितनी देर से खड़े? 2 घंटे में खड़े हैं, मुरादाबाद जाना है मुझे। मुरादाबाद से आते 4 दिन पहले कुछ काम था हमारा यहाँ, इनको जाना था मुरादाबाद। 2 घंटे से करीब खड़े हैं, और भी यहाँ यात्री हैं। हम पूछेंगे कितनी देर से खड़े हैं आप बस के लिए? काफ़ी देर से खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है, तो ये इनकी समस्या है कि बस नहीं मिल रही है, इस वजह से ये काफ़ी देर से खड़े हैं। और भी यात्री हैं यहाँ से, ये बताइए आपको कहाँ जाना है? मेरठ जाना है। मेरठ जाना है, कब से खड़े हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे से ऐसे इतने यात्री, बहुत सारी भीड़, आप देख सकते हैं किस तरह से यात्री यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ कितनी देर से खड़े हैं? देखिए मेरी 5 बजे छुट्टी होती है, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ और मैं पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन इन्हीं रोडवेजों से आता हूँ जाता हूँ, लेकिन यहाँ की समस्या ये है कि दिल्ली के लिए, बरेली के लिए, बाहर के लिए बसें हैं, लेकिन इन लोगों के लिए समस्या है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि लोकल की बस ही नहीं है। 1-2 लगाई जाती हैं दिन भरे में, और जब आदमी का छुट्टी होता है, जैसे हमारा अब छुट्टी हुआ है, हमको घर जाना है, तो सुबह 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, लेकिन घर से 2 घंटे पहले चलता हूँ और अभी तक यहीं हूँ, और पहुँचते पहुँचते इसका कोई उम्मीद नहीं कब मैं पहुँचूँगा। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ बस के लिए? हम 1 घंटे से खड़े हैं। हमें महोली जाना है यहाँ से मात्र 22 किलोमीटर, और कोई बस नहीं है, और महोली का नाम सुन के यहाँ से कोई नहीं बिठाता है। महोली के यात्री बहुत परेशान होते हैं। हम एक बार लखनऊ से आए थे बच्चों के साथ में, तो हमको पूरी रात यहीं गुजारना पड़े था। 3 घंटे हो गए सर, सहारनपुर जाना है हमको, लुधियाना जाना, कोई बस नहीं मिल रही है। हम मोदी कार्यक्रम में सारी बसें गई, यहाँ पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए और परिवहन निगम से बसों की जो है मांग की गई, जिसमें सीतापुर डिपो की 46 बसें और पूर्वांचल एक्सप्रेस में जनप्रतिनिधियों को जो है ले जाने के लिए आवंटित हुई, और उनको जो है 14 नवंबर को जो है भेजा गया। आज वो शिलान्यास उद्घाटन समारोह है और वो इस समय हैं, और उन बसों की कमी की पूर्ति के लिए हमारी जो बसें जो है और अपने गंतव्य से लौट रही हैं और जिनको सुबह अपने गंतव्य पर जाना है, तो रात भर खड़ी ना रहें कार्यशाला में, तो उनसे अतिरिक्त ट्रिप जो है हमारे जो समीपवर्ती साजापुर, हरदोई, बहराइच और लखनऊ के लिए एक्स्ट्रा ट्रिप लगाए के यात्रियों को और यात्रा कराने के लिए और सुविधा प्रदान की जा रही है। हम लोग खुद मतलब फील्ड में हैं और प्रत्येक मतलब जो है रूट पर नज़र रखे हुए हैं कि किसी भी तरह यात्रियों को कोई असुविधा ना होने पाए। आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था सुल्तानपुर में, लोकार्पण था वहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस का, उस वजह से सीतापुर से 46 बसें गई हैं, जिस वजह से यहाँ यात्रियों को दिक्कत आ रही है। आई इंडिया से विपिन राजन से सीतापुर।